सो गाइस, सबको इतना तो पता चल गया है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और बहुत सारे लोग मिलियन बन भी गए। तो आज के टाइम पे ऐसे कौन से कॉइन है जो कल चल के 5 साल 6 साल या फिर एज एन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन से ऐसे कॉइन है जो आपको करोड़पति बनाने का पोटेंशियल रखते हैं अगर आप उसमें कुछ तो भी इन्वेस्टमेंट करके रख दें। तो आज हम लोग टॉप 3 ऐसे कॉइन्स के बारे में जानेंगे जिसको एटलीस्ट हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, उसका कारण बताऊंगा क्यों होना चाहिए और कैसे लेना है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। शुरुआत से अंत तक वीडियो जरूर देखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अपना शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट कॉइन जो एक्चुअल में कल को कुछ कर सकते हैं। शिबा इनू के बारे में सब लोग जानते हैं, शिबा इनू को हम लोग साइड कर देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के पोर्टफोलियो में है और अच्छे खासे अमाउंट में, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट रख लेना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी टीम वर्क कर रही है और बर्निंग मैसिव लेवल में होती जा रही है। उसके अलावा अगर मैं पहले नंबर पे नाम लूं तो मैं लूंगा बेबी डॉज कॉइन का। बेबी डॉज बेशक एक मीम टोकन है लेकिन इसकी फैन फॉलोइंग 1.5 मिलियन ट्विटर पे क्रॉस कर गई है और साथों साथ अच्छी खासी क्वार्टरलियन में बर्निंग चलती है। कॉइन मीम टोकन बेस्ड था लेकिन अब नहीं रहा है क्योंकि अब एनएफटी में हाथ डाल दिया है और उसके बाद प्रोजेक्ट जो है अच्छे से काम कर रहा है। धीरे धीरे मीम टोकन से हटकर वो अपनी कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ लिस्टिंग कंटिन्यूअसली होती जा रही है। ऐसे कॉइन जो होते हैं जो दिखता है वही बिकने वाली चीज क्रिप्टो करेंसी में चलती है और उनका वर्क, उनकी टीम और उनके प्रोजेक्ट्स डिफाइन करते हैं कि कल को कॉइन कितना ज्यादा अच्छा जाने वाला है। उसके बेसिस में बोलूं तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं बट एटलीस्ट ये होना चाहिए पोर्टफोलियो में, सजेशन है, रिकमेंडेशन नहीं। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो बिटटोरेंट कॉइन। बिटटोरेंट बेशक मेरा फेवरेट कॉइन है, उसका रीजन ये है कि एक प्रोजेक्ट कॉइन है लेकिन आपको एक मीम टोकन के रेट में मिल रहा है। आपको अप्रोक्स 1000 रुपए में कुछ 1 करोड़ कॉइन मिल रहा है जो कि आपको मैक्सिमम एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, बाइनेंस, वजीरेक्स, आप कहीं से भी ले सकते हैं, बीटीटीसी। साथों साथ बिटटोरेंट ने अपनी खुद की चेन लॉन्च कर दी है जिसको अच्छे खासे लोग यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी इसका प्रोटोकॉल गूगल, फेसबुक और यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कॉइन ओल्ड बीटीटी की बर्निंग कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसके बाद नई की भी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये कॉइन ज्यादा पोटेंशियल रखता है। स्टोरेज के मामले में सबसे नंबर 1 आता है और ऐसे कॉइन को एटलीस्ट पोर्टफोलियो में मार्केट स्टेबल होने के बाद सबसे पहले अगर कोई भागेगा तो कुछ यही कॉइन होने वाले। तीसरे नंबर अगर कॉइन की बात करूं तो ईकैश कॉइन। ईकैश एक्सीसी कॉइन सबसे बेस्ट कॉइन है अगर मैं बोलूं, जो कि मीम टोकन के रेट में ही मिल रहा है जिसके आगे भी 2 जीरो लग रहे हैं। बेशक थोड़ा सा महंगा है बाकी ये 2 कॉइन के मुकाबले लेकिन एटलीस्ट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि ये कॉइन बिटकॉइन फैमिली का है जिसका रीडोमिनेशन हुआ था बिटकॉइन एबीसी का, उसके बाद ये ईकैश बन गया। अब इनका प्रोजेक्ट है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैश में यूज होना चाहते हैं। जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर पैसा भेजना है तो काफी तामझाम लगते हैं, बैंकों के थ्रू होते हुए जाना पड़ता है, बट ई कैश में ऐसा नहीं है, डायरेक्टली सेंड हो जाता है पैसा। साथों साथ इनका बहुत ज्यादा मोटो ई कॉमर्स में आने का भी है और उसी के साथ ये कॉइन अच्छा खासा सोशल मीडिया पे भी ग्रो हो रहा है, वॉचलिस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, रैंकिंग अच्छी है। तो ऐसे 3 कॉइन जो मैंने आज आपको बताया ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको पोटेंशियल रखते हैं एक बढ़िया अच्छा प्रॉफिट देने में, और जो कॉइन 1000 रुपए में काफी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं तो एटलीस्ट 1000 रुपए तो हमारा इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए लॉन्ग टर्म के मुकाबले। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम आपको बताना है, समझाना है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोस में देने की कोशिश करता रहता हूं। ये वीडियो किसी भूले भटके की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है भाई, ज्वाइन जरूर करना क्योंकि वहां पर रिसेंटली अपडेट में सबसे पहले देता हूं। एंड ट्विटर पे फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।